स्टेडियम के घटना नहीं है, ये आध्यात्मिक विषय है। तो मेरे पांव अगर ऐसे ही कांप रहे हो या मेरी आवाज कांप रही हो तो आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि ये क्रिकेट का विषय नहीं है। और हो सकता है कि जैसे टॉमसन के सामने कभी ब्रजेश पटेल घबरा जाया करते थे, उसी तरह आप लोगों के सामने मेरी जबान भी थोड़ी लड़खड़ा जाए। कुछ कहानियां हैं क्रिकेट की जिनको मैं अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश किया करता हूँ। और दिनेश भाई से मेरा आज का संबंध नहीं है, बरसों का संबंध है। और मैंने पाया कि किस तरह एक इंसान के तौर पर वो आध्यात्मिक रूप से लगातार आगे बढ़ते थे। एक छोटी सी घटना मैंने इनको सुनाई थी बरसों पहले। मैंने बताया था कि भाई नरेंद्र हिरवानी, आप सभी ने नाम भी सुना होगा, हमारे इंदौर शहर के ही हैं। अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, मैं वहाँ पर कॉमेंट्री कर रहा था दूरदर्शन के लिए। तब एक बहुत बड़े चयनकर्ता वहीं पर थे, वो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपका लड़का जो मध्य क्षेत्र का है और इंदौर का है, ये असफल हो जाने वाला है, आज के बाद कोई भी इनका नाम कभी भी नहीं सुनेगा। खैर मैच शुरू हुआ, उस नादान लड़के ने बाद की बात में 16 विकेट ले लिए और टेस्ट मैच में एक नया इतिहास भारत के लिए लिखा। और दोनों पारियों में विवियन रिचर्ड्स, जो कि सबसे बड़े बल्लेबाज थे दुनिया के, दोनों पारियों में उनके विकेट लिए। तो मैंने सोचा कि उन चयनकर्ता को बुलाकर अब बात करनी चाहिए कि हिरवानी के बारे में आपका क्या सोचना है। तो वो उनको पकड़ कर लेकर आया मैं कॉमेंट्री बॉक्स में। मैंने उनसे पूछा कि नरेंद्र हिरवानी के बारे में आपका क्या कहना है, भारत जबकि जीत गया है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने उन्हें टीम में चुना था उसी दिन मुझे मालूम था कि भारत को कोई टेस्ट मैच में जीत दिला सकता है तो यही लड़का दिला सकता है। मैंने जब दिनेश जी को बरसों पहले सुनाई थी तब इन्होंने कहा था, देखिए इन सब बातों का आपने लंबी चौड़ी कहानी सुनाई है, लेकिन इन सब बातों का मूल अर्थ ये है कि मनुष्य को बातों से जवाब नहीं देना चाहिए। आप बल्लेबाज हैं तो आपका बल्ला बोलना चाहिए, आप स्पिन गेंदबाज हैं तो आपकी फिरकी गेंदबाजी की कला बोलनी चाहिए। तो इनका आध्यात्मिक रुझान, चाहे वो क्रिकेट की कहानी हो, लेकिन आध्यात्मिक रुझान शुरू से था। एक और कहानी मैंने इन्हें सुनाई थी, मुझे याद है कि विराट कोहली, आप सभी जानते हैं कि इतने बड़े दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहे जाते हैं, उनकी कहानी मैंने उनको सुनाई। मैंने कहा कि जब कोई भी उनको जानता नहीं था ना, इतने बड़े बड़े अनुबंध नहीं थे, फिल्म तारिकाएं उनके पीछे नहीं दौड़ती थी, तब एक दिन सुबह जब रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे तब उनके पिताजी का देहावसान हो गया और उनकी माँ ने कहा कि अपने पिता की चिता को अग्नि शाम को देना, आज तुम्हारी टीम संकट में, दिल्ली पराजय के कगार पर था, आज तुम्हारी टीम पराजय के कगार पर खड़ी है, तुम जाकर पहले अपनी टीम को बचाओ, वापस आकर अपने पिता की चिता को अग्नि देना। वो लड़का, आप देखिए किस आग के साथ क्रिकेट के मैदान पर गया होगा। मैदान पर जाता है, 92 रन बनाता है, दिल्ली की टीम को पराजय से बचा लेता है। आज जब हम कहते हैं कि इतना बड़ा खिलाड़ी, इतने बड़े बड़े अनुबंध हैं, तो क्यों ना हो ऐसे समर्पण की भावना। जब ये कहानी मैंने दिनेश भाई को सुनाई तो इन्होंने क्या कहा मालूम है, इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर के प्रति आपकी प्रतिबद्धता या कमिटमेंट अगर ऐसा हो तो फिर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। घटनाओं को क्या आध्यात्मिक मोड़ दे देते थे, मैं इनके जीवन के बदलाव को लगातार देखता रहता था और आश्चर्यचकित रह जाए, मुझे चौंकाते रहते थे इसी तरह। एक बार मैं इनको एक और घटना बता रहा था, सच्ची घटना। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट कमेंट्री के लिए गए थे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स वहाँ पर मौजूद थे, मेरे साथ कमेंट्री कर रहे थे, सुनील गावस्कर थे, मोहिंदर अमरनाथ, यशपाल शर्मा, मनिंदर सिंह। रोज शाम को सब लोग मेरे कमरे में आकर बैठ जाते थे। आपको आश्चर्य होगा कि भाई मेरे में ऐसी क्या विशेषता थी कि मेरे ही कमरे में बैठ जाया करते थे। कोई विशेषता नहीं थी भाई, सिवाय इस बात के कि मेरे कमरे में दौर का सेव मिक्सचर और चिवड़ा रहता था। वो शाम को बैठे और एक दिन सुनील भाई ने मुझे चौंका दिया, गावस्कर साहब ने, क्योंकि बड़ी आध्यात्मिक बात करने लगे। देखिए दुनिया कहती है कि मैं सबसे बड़ा ओपनिंग बैट्समैन हूँ, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों को 90-95 मील प्रति घंटे की रफ्तार से करते थे वेस्ट इंडीज के 4-4 फास्ट बॉलर्स,
उनके सामने बिना हेलमेट के मैं टिका रहा, लेकिन कान पक गया यार ये सब बातें सुनते सुनते। मैं तो समझता हूँ चार आदमी अगर ये भी कहने लगे कि ये अच्छा इंसान था तो मैं समझता हूँ जीवन सफल हो जाएगा। दिनेश भाई इस बात से काफी प्रभावित हुए, लेकिन उल्टा इन्होंने ही मुझे प्रभावित कर दिया। इन्होंने कहा कि इन सब बातों का सार ये है कि लोकप्रिय आदमी होने से भी बड़ी बात होती है अच्छा आदमी होना। समझ गया, बहुत ही ऊंचे आध्यात्मिक मोड़ पर पहुंच गए। ऐसी एक घटना पतिदेव के बारे में मैंने पहले भी कई दफे बताई है कि कपिल देव ने कहा था कि भाई जब कोई गेंद हाफ वॉली मुझे मिलती है ना तो मैं सिक्सर इसलिए नहीं जड़ता हूँ कि लोग प्रशंसा करें या फिर कोई बड़ी उपाधि दे या फिर इनाम में कुछ रुपया पैसा दे। मैं सिक्सर इसलिए मारता हूँ हाफ वॉली पर क्योंकि ऐसा करना मुझे पसंद है। तो ये इतनी बड़ी बात है कि मैंने सोचा कि अब तो मैं इन्हें प्रभावित करके रहूँगा ही, लेकिन यहाँ ये कहाँ प्रभावित होने वाले थे। इन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि शरीर और आत्मा जब किसी एक मकसद की तरफ पहुंचती है यानी ईश्वर की तरफ, तो फिर आप जिंदगी में आनंद के चौके छक्के लगा सकते हैं जैसे कपिल देव ने। ऐसे दिनेश भाई से मैं आज कुछ सवाल जरूर करना चाहूंगा कि देखिए आप तो अपने विलक्षण कार्यों से हम लोगों को चौंका ही देते हैं और चौंका देने की आपकी क्षमता अभूतपूर्व है। कहां उद्योग जगत के कलाकार को प्रतिस्पर्धा और कहां आध्यात्मिकता का पवित्र क्षेत्र, इन दोनों के बीच आप तालमेल कैसे बैठाते भाई? सबसे पहले मैं सुशील भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि क्रिकेट जगत से इन्होंने मुझे प्रश्न पूछे और मैं इनके जवाब को जवाब देने के पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं। आपकी परमिशन हो तो डाइवर्स कि पिता के बाद हमारे जीवन में हमारे जो बड़े ब्रदर्स होते हैं वो जिस जगह लेते हैं, और मैं अपने बड़े भाई कैलाश भाई, सूरज भाई, संतोष भाई का जीवन में कृतज्ञ हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया और अपने हिसाब से काम करने का मुझे मौका मिला। ये भी और हमारे जो माता पिता थे उनके जो संस्कार हम लोगों में मिले और धर्म के प्रति निष्ठा और हमारी जिम्मेदारियाँ, और जैसा कि आज उन्होंने कहा कि भाई हम गुरु ऋण के रूप में इस किताब को हमने प्रयत्न किया कि स्वामी जी के जो विचार थे, स्पष्ट विचार थे, उसको संग्रह करके, सब लोगों के विचारों को संग्रह करके जो चीज़ उनको गुरुजन से मिली और वो इतने गूढ़ ग्रंथ उनको इतनी सरलता से हमें समझाइश करी कि जो हम पढ़ के समझ नहीं पाते वो उन्होंने हमें समझाया। और जैसा कैलाश भाई ने कहा कि उमेश की जो धर्म पत्नी यानी कि नीता है वो एक हमारे इस परिवार में निमित्त बनी उस संत के हमारे जीवन मारने के लिए, तो मैं सबका आभारी हूँ और मैंने प्रयत्न किया। और स्वामी जी ने ही उन, चूँकि स्वामी जी ने अपना मेजर टाइम ऋषिकेश में बिताया है और फिर बाद में वो बेंगलोर जाते थे आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर, तो मुझे बहुत बार मौका मिला कि मैं उनके साथ जा पाऊँ और उनके सानिध्य में अच्छे अच्छे गुरुजनों से मेरे मुझे मौका मिला मिलने का। और जो उनके जो सद्विचार, उनके जो ग्रंथ का जो विश्लेषण था उसका संग्रह किया और कोशिश की कि भाई वो जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हमारे परिवार को प्राप्त हुआ है, वो सरल भाषा में सबको प्राप्त हो,
ये मेरा प्रयास है इस किताब के बारे में। चूंकि आप खुद भी एक उद्योगपति हैं, हाँ जी, कई बड़े बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े शब्द मुझे कई बार याद आते हैं, और रतन टाटा का एक वाक्य मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा था कि आई नेवर टेक ए रॉन्ग डिसीजन, आई नेवर टेक ए राइट डिसीजन, आई टेक ए डिसीजन एंड देन मेक इट राइट। मैं कभी भी सही निर्णय नहीं लेता हूँ, पहले निर्णय लेता हूँ और फिर उसे सही साबित करता हूँ। आप भी एक उद्योगपति हैं, आप बताइए आप क्या सोचते हैं। मैं भी इसी विचार से बिल्कुल मानता हूँ उसको, क्योंकि हम यदि कोई निर्णय करते हैं जरूर हम पहले उस निर्णय के प्रॉस एंड कॉन्स को एनालाइज कर लेते हैं करने के पहले, पर जब कर लेते हैं तो उस पर कायम रहते हैं, और फिर यदि उसमें हम अपने एफर्ट्स 100% एफर्ट्स लगाएं, टीम वर्क के साथ काम में फुल कमिटमेंट करें, तो प्रायः सफलता मिलती है। देखिए एक और बात मेरे मन में अक्सर आती है कि धार्मिक ग्रंथ जितने भी पढ़ता हूँ, साधारणतया भाषा उसकी बड़ी जटिल होती है और आम आदमी की समझ में नहीं आती। अभी कैलाश भाई ने भी जिक्र किया कि स्वामी जी जो भी बताते थे इतनी सरल भाषा में विनोदी स्वभाव के साथ बताते थे। मुझे ये अच्छा लगा कि आपने ये ग्रंथ हिंदी में लिखा। और सबसे देखिए साहित्य पढ़ना हमेशा एक अच्छी बात होती है, साहित्य पढ़ने से मन लगातार निर्मल होता जाता है, और साहित्य ग्रंथ जब बनता है जब आपको पवित्रता का आभास होता है। ये ग्रंथ मैंने पूरा पढ़ा, इसमें पवित्रता का आभास होता है, आपने ये सब कैसे किया? देखिए सबसे मुख्य चीज़ है हमारी मातृभाषा, और इसीलिए मैंने इसको हिंदी में लिखा है। मेरे बच्चे लोग भी मुझे बोले कि पापा हमको तो हिंदी नहीं आती इतनी अच्छी, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, और यदि आपके इतने सारे सहयोगी लोग हैं जो कि बाहर भी रहते हैं वो कैसे पढ़ेंगे, तो ये तो आपने बिल्कुल हिंदी में इंग्लिश में लिखो। मैं कह नहीं, सबसे पहले मैं उसको सम्मान दूँ अपनी मातृभाषा को। सुकरात ने भी कहा है कि भाई किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी मातृभाषा पे वार करो, उसको बर्बाद करो तो वो उस तो उसी चीज़ के लिए। तो सबसे पहले हमने हिंदी में इसका लिखा है। हाँ अब कोशिश अगली बार इसको इंग्लिश वर्जन में लेके आएंगे, क्योंकि इसको आगे भी इसको पढ़े और उन लोग के पास भी जाए जो इससे फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए आज की युवा पीढ़ी धर्म संस्कार व नैतिकता के मामले में गिरती जा रही है, आपको क्या लगता है युवा पीढ़ी के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी किताब लिखी है, युवा पीढ़ी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुशील भाई इसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि हम जो हमारी वैल्यू बेस्ड सिस्टम है, और जहाँ भी जो भी माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं धर्म के प्रति उनकी जागरूकता करते हैं, तो वो प्रायः इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो मूल में अपने उनको भय रहता है और वो धर्म आगे आ जाता है। तो हम ऐसे पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अच्छे बच्चों को अच्छे संस्कार दें, संस्कार ही हमारे लिए बुनियाद होगी और संस्कार ही हमारे को विमुख होने से बचाएगा। देखिए शाहरा परिवार से तो मेरा बचपन से संबंध रहा, और कैलाश भाई से तो खास करके मैं बचपन से बहुत प्रभावित रहा हूँ। संतोष जी मेरे साथ पढ़ा करते थे, और मुझे याद है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तब इनकी बड़ी याद आती थी, तब मैंने एक वाक्य बोलना शुरू किया था और मैंने कहा था कि 2 रन भी ले सकते थे लेकिन केवल 1 रन के साथ संतोष किया, तो संतोष का नाम मैं लेता था। मुझे खुशी है कि देश का हर हिंदी कमेंटेटर आज संतोष ले रहा है और हर हिंदी कमेंटेटर इस शब्द का उपयोग कर रहा है। अब एक आखिरी बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा, देखिए आपके सब इतने गुरुदेव हैं, आपके आपका पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा है, रिश्तेदार हैं, इष्ट मित्र हैं, खैरख्वाह लोग हैं, आलोचक भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब ऐसी कोई एक बात बताइए जो आज तक आपने किसी को नहीं बताई। सुशील भाई जो अभी तक नहीं बताई जो आपको आज क्यों बताऊं? थैंक्स, रियली ओके।